हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिकी में आपका फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह की रेसिपी आपको बताऊंगी और आप वीडियो में जरूर से देखें कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें ताकि मैं इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स बताई हूँ जो आप मिस कर देंगे, इसलिए वीडियो में आप जरूर देखें पूरा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गेहूं का स्नैक जिस तरह बनाते हैं, तो पहले इसे क्या करेंगे, गेहूं ले लेंगे और इसे पानी डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मसल मसल कर इस तरह अच्छे से धो लेना है ताकि जितनी भी गंदगी हमारी गेहूं में रहती है वो निकल जाएगा। तो दो से तीन पानी से इसे अच्छे से धो लेना और इसका पानी निकाल लेना है। अब कोई भी एक पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे गेहूं जो धोकर हमने रखा है। अब गेहूं में डाल देंगे आधा गिलास पानी, ज्यादा नहीं डालना, आधा गिलास पानी, ताकि हमारा जितना भी गेहूं है अच्छे से डूब जाए। ये देखिए इस तरह डाल देंगे। तो गेहूं हमारा अच्छे से डूब चुका है तो गैस को ऑन कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दूध में नहीं बना रही हूँ। अब इसे ढक देंगे और 7 से 8 मिनट इसे पकने देंगे। जब ये पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगा तो हम इसे चेक करेंगे। तो गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, न लो न हाई, मीडियम में रखना है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी हमारा एकदम सूख चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है और ये गेहूं अच्छे से हमारा पक चुका है। इसका चेक करने का तरीका क्या है, एक गेहूं उठाएंगे और नाखों से इस तरह दबाएंगे। तो ये देखिए अभी कट नहीं रहा है, यानी ये अभी हुआ नहीं है। तो बस थोड़ा सा और 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए कट हो गया है, यानी ये अच्छे से हो चुका है हमारा, ये अच्छे से कट हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम मिक्सर जार लेंगे और हम इसे सभी को डाल देंगे इसके अंदर और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। पहले इसे क्या करेंगे, बिना पानी के पीसेंगे दरदरा, उसके बाद जितना पानी लगेगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका पेस्ट बनाना है। ज्यादा पतला नहीं बनाना है, मैं आपको दिखाऊंगी कितना हमें पतला बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसे पहले दरदरा इस तरह पीस लिया, अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। तो पहले इतना थोड़ा डाल लेते हैं, उसके बाद इसे पीस लेते हैं। अब कोई भी एक बर्तन लेंगे और उसमें इसे पीस कर जो पीसे हैं इसे डाल देंगे। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, तो आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑनियन कटा हुआ, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप शिमला मिर्च भी दे सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं दिखाती हूँ कितना देना है। ये 1 चम्मच हो गया दही और ये दूसरा 2 चम्मच ही हमें मात्र दही देना है। अब इसमें हम डालेंगे एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, तो बस इसमें 1 चम्मच हमें डाल देना है पाव भाजी मसाला, और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा, और थोड़ा सा हल्दी बस। अब ज्यादा हमें कुछ नहीं डालना है। लास्ट में नमक स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे नमक। अब इसे क्या करना है, मिक्स करना है। इन सभी चीजों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसे गर्म कर लेते हैं। गर्म होने के बाद जब ये गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ा सा तेल इस तरह ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास अप्पम वाला है तो आप अप्पम वाले में भी बना सकते हैं, मैं आपको दोनों में बनाकर दिखाऊंगी। तो ये तेल ग्रीस हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा। तो ये देखिए बड़ा या छोटा ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जितना बड़ा या छोटा देना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, तो मैंने छोटा ही बनाया है। तो ये एक तरफ ये हो चुका है, तो इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है, पलटने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये चिपकता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये चिपकता नहीं है और आसानी से ये पलट जाता है हमारा। और इसे चारों तरफ से इस तरह दबा दबा कर हम इसे पका लेंगे क्योंकि कहीं भी ये कच्चा ना रहे। और ये गेहूं से जो हमने बनाया है बहुत ही हेल्दी है हमारे शरीर के लिए, जिसके अंदर खून की कमी है गेहूं के इस तरह से बनाकर रेसिपी खाएंगे बहुत ही उसमें खून बनेगा और बहुत ही ताकत मिलता है।
और इसमें मैंने सभी चीज हेल्दी चीज डाली है और तेल की मात्रा भी बहुत कम दे रही हूं मैं। तो ये हेल्दी भी है और साथ साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और पूरे परिवार को पसंद आएगा। तो ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह सारा हम बना लेते हैं। तो अब एक तरफ मैं आपको अपम वाले में ही बनाकर दिखा देती हूँ। सभी को तेल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है, सभी पार्ट को हमारा। लगभग सभी के घर में ये अपम रहता है, अगर नहीं है तो उसके लिए मैंने पैन में भी बताया है। आप तवे पे भी बना सकते हैं, किसी चीज पे भी बना सकते हैं इसे, और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आपने देखा वीडियो में कि कितना आसानी से मैंने इसे बनाया है। अब इसमें एक एक चम्मच करके घोल को डाल देना है। आपके पास जैसा भी अपम है तो आप उसमें बना सकते हैं। मेरे पास ये गोल वाला है तो मैं गोल में बना रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा इसे बड़ा चपटा वाला अगर आता है जो, उसमें भी आप बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है, बन जाता है। तो किसी तरह भी बनाइए, खाइए, बहुत ही मजा आएगा खाने में। तो ये देखिए मैंने अपम वाले में भी डाल दिया, अब इसे भी पकने देते हैं। देखिए दोनों तरफ हमारा रेसिपी तैयार हो रहा है। मैंने उधर दूसरे गैस पे भी इसे चढ़ा दिया अपम में, और ये तवे पे भी बन रहा है। तो आपको जिसमें भी बनाने की इच्छा है आप उसमें बना सकते हैं। मैं आपको अपम वाले में भी पलट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा पक चुका है। तो इस तरह आसानी से एकदम पलट जाता है। तेल में एकदम तेल मैंने नाम मात्र का मैंने दिया है। ये देखिए इस तरह स्पून की सहायता से या फोक की सहायता से आप इसे पलट सकते हैं। देख सकते मैं कितनी आसानी से इसे पलट रही हूँ। तो ये लीजिए हमारी रेसिपी एकदम तैयार है। मैंने ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ भी सर्व किया। आपको जिसके साथ खाने का मन है आप उसके साथ खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर घंटी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आगे तक जा सके। तो मिलते हैं इसी तरह से आसान की रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।